zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार उदयपुर राजस्थान से और आप देख रहे हैं राजस्थान लवबर्ड न्यूट्रिशन ऑफिशियल। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने एयर प्यूरीफाई पड़ा हुआ है जो कि जापान टेक्नोलॉजी का शार्प कंपनी का है, ठीक है ना। और आप ये सोचते होंगे कि ये वीडियो किस टाइप से मैं बना रहा हूँ और ये पहले ये क्या चीज़ ऐसी आ गई है। मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा एयर प्यूरीफाई है जो ह्यूमिडिटी रूम में होती है उसको भी कैप्चर करता है, और उसके अलावा जो हवा के अंदर जो वायरस वगैरह बैक्टीरिया होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को बिल्कुल शुद्ध बना देता है। जैसे कि अभी आप देखोगे जो मौसम में अभी बारिश का मौसम चल रहा है हमारे यहाँ से रेगुलर, आज ही थोड़ी सी अभी जस्ट धूप आई है भाई, सुबह सुबह बारिश आ रही थी यहाँ पर। और आप ये देख रहे होंगे कि इसकी वजह से, और मैं आपको पता है कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सबके अंदर या कुछ ना कुछ मैं नया प्रैक्टिकल करता हूँ और उसी को मैं वीडियो बना देता हूँ। पिछले 3 हफ्ते से वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा कि यार किस चीज़ पर वीडियो बनाए, ऐसा कोई विशेष मैंने कुछ किया नहीं था। पर कल ही मैं अजमेर से मेरे मित्र का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि इसी विषय में कुछ बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, 85 to 89 के आसपास हो रही है। तो मैंने कहा मैंने तो 85 लगा, उन्होंने बोला कि मुझे इनकी एक छोटी वीडियो बना के भेजो, फोटो भेजो कैसा है मैं देखूँ। तो मैंने कहा चलो आपको भेजो, इससे अच्छा एक इसी पूरी यूट्यूब पर वीडियो ही डाल देते हैं, इसी पूरी डिटेल वहीं पर दे देते हैं। इस वजह से ये वीडियो मेरे को बनानी पड़ी, और इस वीडियो को बनाने के पीछे जो श्रेय है वो अजमेर से ओम जी, ओम प्रकाश जी हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि लवबर्ड के अंदर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से आज ये वीडियो बन रही है। और एक भी बात बताना चाहूँगा आपको कि इसको मैंने परचेज जब किया जब लगभग 1.5 साल पहले मेरे को कोरोना हो गया था, और उस समय इसको मैं परचेज किया। इवन इसकी एक बार खासियत बताता हूँ, ये कोरोना वायरस जो होते हैं उसके भी वायरस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और एयर अगर रूम के अंदर चलता है तो एयर उसकी रूम की जो एयर है उसको बिल्कुल प्यूरीफाई कर देता है। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के बाहर की तरफ जो एयर है उससे ज़्यादा दूषित अपने रूम के अंदर की एयर रहती है, क्योंकि वो अंदर रोटेट होती रहती है और उसके वजह से बैक्टीरिया फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में AC वगैरह लगे रहते हैं, दरवाजे सब बंद होते हैं, तो AC की वजह से क्या होता है कि सारा का सारा जो एयर है वो अंदर ही कमरे के अंदर रोटेट होता रहता है, इसकी वजह से उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। और ये एक एयरफाई है जो कि बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे पीछे देख सकते हैं कि मैंने लगभग 10 दिन से जान करके, बारिश का मौसम है, ये गलती आप कोई करना मत, पर मैं तो प्रैक्टिकल के लिए मुझे ये मैंने किया है, मैंने लगभग 10 दिन से इनके पिंजरे मैंने बिल्कुल इसको क्लीन नहीं किया है। आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, आज ही मैंने इसको देखा, रेगुलर अभी थोड़ी सी धूप आई है यहाँ पर हमारे यहाँ पर रेगुलर 5-7 दिन से रेगुलर बारिश भी आ रही है, और यहाँ पर काफ़ी मॉइस्चर भी काफ़ी यहाँ पर हो रहा है। और आज मैंने पहली बार इसको नोट किया, यहाँ देखा कि यहाँ पर थोड़ी सी फंगस भी इसके अंदर लगा हुआ है। पर इस कंडीशन में ये देखना भी चाह रहा था कि हमारा जो एयर प्यूरीफाई है ये यहाँ पर कैसा काम करता, क्या करता है। इससे सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आप नोट किया होगा कि मैं यहाँ पर ये देखिए रच का जो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये रेगुलर मैं इनको डेली देता हूँ। पर इसमें होता क्या है कि लगभग मान लो कि 4-5 घंटे के बाद में इसमें से अगर ये एयरफाई नहीं चलता है उस कंडीशन में इसकी थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है अभी बारिश के मौसम की वजह से, तो ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस किया। जैसे ही मैं इसको चला देता हूँ उसके बाद में या इसका जो वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है कि इतना कोई फंगस नहीं हो सकते। इससे बड़ी बात प्रैक्टिकल की वो बता रहा हूँ मैं, सोचो मैं किस हद तक जाता हूँ। मेरे यहाँ पर ये 3 बॉक्स दिख रहे होंगे, इसके अंदर ऑलरेडी एग ले किए हुए हैं, और जो ये ऑक्सीजन चल रहा है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कोई ऐसा मटकिया वगैरह या ब्रीडिंग बॉक्स ना लगाएं, इसके अंदर भी एग हैं और सामने आप देख सकते हैं उसके अंदर भी एग हैं। और ये इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने आप पेयरिंग की है और फर्स्ट टाइम इन्होंने एग ले किए। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि अभी एग लेने का कारण ये भी था कि जब अब से 2 महीने बाद जो सीजन चलने वाला उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और सबसे बड़ी बात ये पता पड़ जाए कि वाकई ये जो पेयरिंग है ये मेल फीमेल है या नहीं है। इन तीनों के अंदर इनके अंडे फर्टाइल हो चुके हैं, ठीक है ना। लगभग मान लो इसके अंदर 4 हैं, 4 में से 1 अनफर्टाइल था, 3 फर्टाइल हो गए हैं। इसके अंदर अभी एग ले कर रहे हैं, 1 फर्टाइल हो चुका है और अभी 1-2 दिन में फर्टाइल हो जाएंगे। और सामने की बात करूँ तो उसके अंदर 1 मैंने फर्टाइल देखा और 3 अभी अनफर्टाइल वहाँ पे देखे हैं, शायद वो फर्टाइल हो जाए, ठीक है ना।
अब आप ये मान सकते हैं मेरी ये बात कि जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से वो फंगस वायरस जो एयर में होते हैं वो ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वही क्या करता है कि अंडों के जो ऊपर जो शेल होता है, जिसमें छिद्र होते हैं, उसके ऊपर कवर कर देता है और उसकी वजह से वो जो एग होते हैं वो डैमेज शेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि इसके ऊपर ऑक्सीजन मानते हैं और यही कारण है इस समय पर हम इसकी ब्रीडिंग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये कारण भी मैंने आपको बता दिया, मगर इस एयर प्योरीफाई को लगाने के मैं ये भी शो करना चाहता था कि जो अंडे एक बार फर्टाइल हो चुके हैं क्या वो डेडिंग शेयर होते कि नहीं होते हैं, इससे ये भी पता पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है इसको 24 आवर्स और 365 दिन आप रेगुलर चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये कैसे फंक्शन करता है, क्या काम करता है। आप ये देख सकते हैं एक 3-4 तरह के ये मतलब फंक्शन, आप चाहो तो टाइम सेट भी यहाँ से कर सकते हो। अभी मैंने हैश पे लगा रखा है, हैश का ये आप देखो स्टार्ट हो रहा है। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब ये कि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी वगैरह हो रही है ये उसको अभी मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। और इसको मैंने मोड ये दबा दिया, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मोड जो लग गया है, इसमें बिल्कुल आवाज़ भी बंद हो गई है। ये जो सिंबल आ रहा है इसका चांद तारे का, ठीक है ना, ये सिंबल ये है कि ये नाइट के अंदर चलाने का है ताकि बिल्कुल स्लोली स्लोली ये चलता रहे। अब इसके बाद में ये मोड को मैंने एक बार और दबा दिया, इससे थोड़ा फास्ट हो गया, ये इसका जो अंदर जो फैन है वो फैन थोड़ा फास्ट चल रहा है, शायद आपको आवाज़ का महसूस हो ही होगी हल्की सी। अब मैं एक बार और ये दबा देता हूँ तो ये थर्ड टाइम फुल फास्ट हो गया एकदम। और इसके अलावा आप 4 घंटे 8 घंटे का भी एडजस्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को ये अब लगा दे 4 घंटे चलाना है, 8 घंटे चलाना, तो यहाँ से आप ये टाइमर है, इस टाइमर को साथ सेट अभी मैंने चलाया, देखो ये 4 घंटे का उस चीज़, तो ख्याल ये 4 घंटे चलेगा उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ये। और मैंने एक और ये दबा दिया, 8 घंटे हो गया, अभी रेगुलर 8 घंटे चलने के बाद अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। और इसका जो ऑन ऑफ सिस्टम है ये ऑन ऑफ सिस्टम ये कर रहा है, ये देखो ये बिल्कुल भी बंद हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और इसको चालू करने के लिए ये वापस मैंने इसको ऑन कर दिया है, ठीक है ना, ये ऑन हो चुका। और अभी जो मैं रेगुलर चला रहा हूँ उसको रेगुलर मैं हैज पे चला रहा हूँ क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करने का ये काम करता है। और आप इसके पीछे की तरफ ये देख सकते हो यहाँ से कि यहाँ पर इसकी जाली भी इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है ना, ये बंद कर दिखा देता हूँ, ये जाली बन रही है, यहाँ से ये एरिया आ जाती है और काफ़ी टाइम के खोले को आप इसको देख सकते हो। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ये जितनी भी डस्ट होती है डस्ट यहाँ पर जम जाती है। और अगर मैं इसकी रेट बोलूँ तो ये 18,500 रुपये का है पर, और डिस्काउंट के साथ में ये मेरे को 17,500 में मेरे को घर में ये पड़ा है। और सीधी सी बात है कि अगर बर्ड का शौक़ तो हम सब करते हैं, तो क्या हम इस तरह से बर्ड का शौक़ कर रहे हैं कि भाई हम उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर जो हॉबी है ये बर्ड की, इसके अंदर मैं कोई कमी पेशी नहीं रखना चाहता। एक बार बताना चाहूँगा अभी जैसे कि बारिश का काफ़ी अच्छा काफ़ी मौसम है, मैं पिछले 5-6 दिन से इनको सॉफ्ट फूड नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे काफ़ी नमी और काफ़ी बारिश है तो इस समय पे कुछ 2-5 दिन बंद कर दिए। मैंने परसों भी अच्छा मौसम था यहाँ पर तो परसों के दिन मैंने सॉफ्ट फूड इनको दिया था, पर कल अच्छा मौसम था कल सॉफ्ट फूड नहीं, आज ही मैंने सॉफ्ट फूड दिया। और इस समय पर अधिकतर मैं इनको खाली मिक्स सीड ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी बारिश का जो मौसम आ रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपके यहाँ हो रही है, लगभग मेरे यहाँ पर अभी ह्यूमिडिटी चल रही है, मैं अभी दिखाता हूँ 85 से अबव हो गई है, ये देखिए मैंने 85 बताया, ये 85 की ह्यूमिडिटी 85 है, ये आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस मौसम के अंदर एक तो ब्रीड ना लेवें, इस मौसम के अंदर आप कोई भी गीला कुछ भी ना, जैसे गीला ककड़ी होगी इस टाइप से ना देवें, ऐसी कोई चीज़ इनके शेड में नहीं देवें जो कि मतलब कि स्मेल कर देता हो। इस समय सॉफ्ट फूड एकदम मौसम अगर साफ हो अच्छा हो तो मैं कहता हूँ 12 महीने सॉफ्ट फूड देना चाहिए, ठीक है ना। पर एकदम मौसम बहुत बारिश वगैरह आ रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो इस समय भी आप ना दीजिए, ठीक है ना। और इसका प्रैक्टिकल मैं थोड़े टाइम में बता दूंगा कि इस एयर शार्क के एयर प्योरीफाई को लगाने के बाद में मेरे यहाँ से कितने एग फ्रेल तो हो रहे हैं पर कितने मल्कि अंदर से चिक्स बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने लगभग ये मान लो 10 दिन से इनको, जो कि ये बहुत बड़ी गलती आप मत करना, मैं तो प्रैक्टिकल कुछ करता रहता हूँ, इसलिए मैंने इसको देखा था कि इसकी वजह से मेरे किसी बर्ड को कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, मैं इस चीज़ को वॉच कर रहा था, पर मेरे यहाँ पर किसी भी बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये लगभग ये मान के चलिए कि नाइट में थोड़ा कूलर चलता है पर दिन के समय पे मैं लगभग यहाँ पूरे दिन ये इसको मैं चला के रखता हूँ ताकि इसकी ह्यूमिडिटी वगैरह मेंटेन होती रहे, ठीक है ना। और हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहा है तो यहाँ से आपका ये ह्यूमिडिटी का जो लेवल है ये कम हो जाएगा,
अपन एयर ह्यूमिडिटी के साथ में जो एयर के अंदर जो फंगस आता है, जो वायरस आता है, जो बैक्टीरिया अंदर जो होते हैं, ये उनको किल करने काम करते हैं, उनको ख़त्म करने काम करता है, एयर को बिल्कुल प्योर बनाने काम करता है, शुद्ध बनाने काम करता है, ये काम करता है। इवन जो मैंने बताया कि यार कोरोना का वायरस जो होता है, कोरोना का वायरस को भी ये ख़त्म करने की क्षमता ये रखता है, ठीक है ना। और इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप यूट्यूब पर आप इसकी जानकारी ले सकते हो, और अगर हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में डाल दूँगा, आप इसकी जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, और मेरी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।